दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बगल में आएगा बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए, और अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक बटन को प्रेस करके लाइक कर लीजिए ताकि हर टैक्स रिलेटेड वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका गाइड उज्जवल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गाइड फॉर टेक उज्जवल में। दोस्तों BSNL यूजर्स के लिए एक बुरी खबर आप कह सकते हो, हालांकि उतनी भी बुरी नहीं है, लेकिन अपडेट देना मेरा काम है। एक इन्फॉर्मेशन आई है BSNL को लेकर कि उनकी जो अनलिमिटेड कॉलिंग है वो शायद आपको देखने को अब ना मिले। पूरा अपडेट क्या है जाने के लिए वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं BSNL की, तो BSNL यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे प्लान्स अवेलेबल कराया है काफ़ी अच्छे प्राइस में, और अनलिमिटेड कॉलिंग भी सभी प्लान्स में दे रहा है। लेकिन अब दोस्तों अगर बात करें तो BSNL के सिम जो यूज़ करते हैं और जो BSNL में आने को सोच रहे थे, उनको कहीं ना कहीं सोच में डाल दिया है BSNL ने, क्योंकि उनका एक अपडेट आ रहा है, कई आर्टिकल आ रहे हैं कि BSNL ने अनलिमिटेड कॉलिंग वाला जो सिस्टम है वो अब ख़त्म कर दिया है। तो अब अगर आप यहाँ पर कॉलिंग करते हो, मतलब आपको अनलिमिटेड कॉलिंग नहीं मिलेगी, अब आपको जो डेली कॉलिंग लिमिट मिलेगी वो मिलेगी 250 मिनट की, मतलब 4.5 घंटे तक आप मतलब बात कर सकते हो एक दिन में, और अगर आप उससे ज्यादा बात करते हो तो वहां पर आपको जो चार्जेस देना पड़ेगा वो होगा 1 पैसा यहां पर आपको पर मिनट, मतलब पर सेकंड आपको देना पड़ेगा 1 पैसा पर सेकंड का यहां पर चार्जेस होगा, मतलब 60 पैसे आपको मतलब एक मिनट में देना होगा, 60 पैसे पर मिनट में आपको देना होगा। तो कोई बहुत ज्यादा चार्जेस तो नहीं है यार, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये जो BSNL ने किया है उसके यूजर्स कहीं ना कहीं सोचने में थोड़ा बहुत मजबूर हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं BSNL को यार सरकारी कंपनी है, थोड़ा सा घाटा हो रहा था तो उसको थोड़ा सा रिकवर करने के लिए या उसको थोड़ा सा सही करने के लिए, स्टेबल करने के लिए ये अपडेट किया है BSNL ने अपने सभी, मतलब जो BSNL का जो सिम यूज़ कर रहे हैं, जो प्लान यूज़ कर रहे हैं, ये सभी प्लान में है, ऐसा कोई मतलब मेन प्लान नहीं, सभी प्लान में ऐसा किया गया है जो अपडेट है। तो आप क्या ये बहुत बड़ा अपडेट समझते हो या फिर सही किया, कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक अपडेट ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड कॉलिंग ही बंद कर दियो, बस कुछ यहाँ पर 60 पैसा पर मिनट कम है, लेकिन फिर भी अनलिमिटेड कॉलिंग अब नहीं रही। अगर आप कॉलिंग करते हो 250 मिनट ही आपको पर डे मिलने वाला है, मतलब 4.5 घंटा ही मिलने वाला है। ये वीडियो कैसे लगी वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। दोस्तों अगर आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि मैं रोजाना टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।